हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2 सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक। तो प्रश्न नंबर एक, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर दो, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तीन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर चार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में, के बी हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर पाँच, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर छः, टीपू सुल्तान शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। क्वेश्चन नंबर सात, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर आठ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर नौ, नमक कानून कब भंग हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर दस, किसान दिवस किस दिन मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर बारह, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तेरह रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर चौदह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर सी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में, मदन मोहन मालवीय की। क्वेश्चन नंबर सत्रह, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर ए नक्सलवाद का। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी किसानों पर। क्वेश्चन नंबर 21, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए
बारदोली। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में डांडी से। क्वेश्चन नंबर 24, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की के। क्वेश्चन नंबर 27, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो ऑप्शन नंबर ए डांडी को। क्वेश्चन नंबर 28, रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 3 क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्राउन क्रोन्स के। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीविकोपार्जन का। क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी तृतीयक।
क्वेश्चन नंबर 10, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनार्थिक। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी, काला बाजारी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। क्वेश्चन नंबर चौदह, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर सत्रह, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को।